दोस्तों, अगर आप शराब के शौकीन हैं और अपने घर में बार का मजा लेना चाहते हैं और दूसरों को भी मजा देना चाहते हैं, तो यूपी सरकार इसके लिए लाइसेंस देगी। और हाँ, आप इस बार से पैसे भी कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, योगी जी ने यूपी के युवाओं को दिया है अब तक का सबसे बड़ा रोजगार। अब योगी सरकार घर बैठे युवाओं को दे रही है पैसे कमाने का मौका। इसे बीजेपी सरकार का बेरोजगारी पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार कहें या बीजेपी के पकोड़ा रोजगार का विस्तार कहें। दोस्तों, अब आप अपने घर पर भी बार खोल सकते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार ने होम बार का लाइसेंस देने का फैसला किया है। इसके लिए मंगलवार को ही कैबिनेट में उत्तर प्रदेश आबकारी नीति में संशोधन के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। होम बार लाइसेंस सालाना जारी होंगे और इसके लिए 12,000 रुपये का शुल्क देना होगा। इसके साथ ही बतौर सिक्योरिटी आपको सिर्फ 25,000 रुपये जमा कराने होंगे। पहले घर में 4 बोतल तक शराब रखने की मंजूरी थी, लेकिन अब इस नीति के बदलने के बाद अब अपने घर में अगर आप होम बार का लाइसेंस लेते हैं तो अब 15 कैटेगरी की छोटी बड़ी 71 बोतलें, जी हाँ 71 बोतलें आप रख सकते हैं। घर में देसी शराब या विदेशी शराब अपने परिजनों, रिश्तेदारों, मेहमानों और दोस्तों को पिलाने के लिए जिनकी उम्र 21 साल से कम ना हो, आप होम बार का लाइसेंस ले सकते हैं। इसके लिए पहले 200 वर्ग मीटर का एरिया की सिटिंग जगह चाहिए, जिसे घटाकर अब सिर्फ 100 मीटर कर दिया गया है। घर में बार खोलने का लाइसेंस लेने के लिए सिर्फ 100 मीटर जगह की जरूरत होगी। पहले 40 लोगों को एक साथ बैठने की अनुमति थी, लेकिन इसे अब घटा दिया गया है। अब सिर्फ 30 लोग ही होम बार में बैठ के शराब पी सकते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस बार के लिए आपको सिर्फ एक नक्शा जरूरी है। अब आप नए बार के लिए कोई प्रमाण पत्र या शपथ पत्र की कोई आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि इसकी जगह आपको विकास प्राधिकरण या आपका स्थायी निकाय, जो भी जैसे कि नगर निगम है, उसके पास नक्शे की कॉपी देनी होगी। वैसे दोस्तों, अब यूपी सरकार की आबकारी नीति ने संदेश तो दे दिया है कि सरकार अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मैं योगी सरकार से पूछना चाहता हूँ कि इस फायदे के चक्कर में जो परिवार बर्बाद होंगे, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। नमस्कार, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़। जनता की आवाज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।